जय श्री राम मित्रों, एमपी टेट वर्ग दो व तीन में 40% अर्थात 60 अंक ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस व 50% अर्थात 75 अंक यूआर को लेकर बड़ा आदेश हुआ जारी। जल्दी देखें पासिंग मार्क्स 40% व 50% वाले फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। यह जो सुनवाई हुई है उसका फाइनल डिसीजन है। इसी के आधार पर आपको ज्ञात होगा कि हम फार्म डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते हैं। यह जो सुनवाई चली थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में हुई थी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में जस्टिस जी एस अहलूवालिया की सिंगल बेंच ने एक पिटीशन में फाइनल डिसीजन देते हुए कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का शिक्षक चयन परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। यहां तक कि शिक्षक पात्रता परीक्षा भर्ती परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया दोनों में अलग हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है माननीय जी ने क्या कहा, अभ्यर्थियों ने आजकल लगाई थी कि उनकी पासिंग मार्क्स है और 40% आरक्षित के लिए और अनारक्षित के लिए 50% कर दी जाए, क्योंकि टेट में अलग क्राइटेरिया पासिंग मार्क्स की और सुपर टेट में अलग है। तो इस पर माननीय न्यायाधीश जी ने सुनवाई करते हुए कहा कि टेट और सुपर टेट दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए इस कारण से दोनों की जो क्राइटेरिया है वह स्वतंत्र है पासिंग मार्क्स रखने के लिए। अर्थात सामान्य शब्दों में कहें तो जो 40% 50% की याचिका लगाई गई थी उनके लिए न्याय मंजूर कर दिया, अर्थात तो उन्हें कह दिया कि दोनों अलग हैं, फार्म इसलिए नहीं डाल सकते। अर्थात जो पासिंग मार्क्स हैं आरक्षित अर्थात ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए 75 अंक और यूआर के लिए जो पासिंग मार्क्स हैं वह 90 अंक निर्धारित की गई है वर्तमान में, और 75 व 90 अंक वाले ही फार्म डाल सकते हैं जिनकी मार्कशीट में क्वालिफाई लिखा हो। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।